नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 18 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए निकाली गई 50 वैकेंसियां। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड में नेविक के पदों पर 50 वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर 2020 से शुरू होने वाली है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2020 तक तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं SC/ST और स्पोर्ट्स कोटा के तहत आने वाले युवाओं को 5% अंक की छूट मिलेगी। गृह विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने रखा अपने ही पास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और विजिलेंस को अपने पास रखा है। इसके साथ ही विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है, जिसके तहत अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास और सामाजिक कार्य विभाग और भवन निर्माण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, शीला देवी को परिवहन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग, रेणु कुमारी को महिला कल्याण विभाग, मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग, तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और वन विभाग, संतोष मांझी को लघु सिंचाई एवं SC/ST कल्याण, मुकेश सैनी को पशुपालन और मत्स्य पालन, मंगल पांडे को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, कला और संस्कृति, अमरेंद्र सिंह को कृषि विभाग, कोऑपरेटिव गन्ना, रामप्रीत मंडल को PHED, जिवेश कुमार को पर्यटन, श्रम, खनन, राम सूरत को राजस्व, कानून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस पार्क को यह नाम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी के सम्मान में दिया गया है। यह मूल रूप से एक चिल्ड्रन पार्क है, जहां घूमने और खेलने की बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियों और शांत वातावरण के कारण यह व्यस्कों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। यह पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु पुल पर निर्माण कार्य के कारण लगा जाम। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला लाइफलाइन पुल महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर हाजीपुर की तरफ से पिलर संख्या 1 से पुल की कटाई शुरू है। निर्माण कार्य चलने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लिहाजा पश्चिमी लेन पुल पर जाम की समस्या देखी जा रही है। इस जाम को हटाने के लिए सेतु पर तैनात पुलिसकर्मी को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 513 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,27,946 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 186 मामले सामने आए हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में 27 मामले सामने आए हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। बिहार के किसानों की मदद के लिए एक बार फिर से सरकार ने किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें, बिहार में खेती करने वाले किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा पड़ना आदि से बचाने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों की खेती को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट rcdonline.bis.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में लुटका पारा। महापर्व छठ की शुरुआत आज से होने वाली है। हालांकि इस साल छठ पर बिहार में ठंड का असर देखने को मिल सकता है। IMD पटना की रिपोर्ट के अनुसार छठ के दौरान बिहार में ठंड दस्तक देने वाला है, जिसके बाद अब ठंड बढ़ने के पूरे पूरे आसार जताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समय तक कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेज हवा बहने के कारण आसमान में हल्के बादल भी देखने को मिले हैं। साथ ही दिन के तापमान में भी अपेक्षाकृत गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। नई दिल्ली और सहरसा के बीच चलाई जाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया गया है। वहीं अब इस सूची में एक और ट्रेन को भी जोड़ दिया गया है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे की सबसे अधिक ट्रेनें दिल्ली रूट से चलाई जा रही हैं। इसमें यात्रियों को काफी राहत है। इसी क्रम में एक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली से जयनगर को खुलने वाली गाड़ी संख्या 04016 रात 11:55 पर खुलकर वाया कानपुर, प्रयागराज, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र के रास्ते मुजफ्फरपुर अगले दिन शाम 6:15 पर पहुंचेगी।
आज से छठ पूजा की हो जाएगी शुरुआत। आस्था के महापर्व का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है क्योंकि आज से छठ का त्यौहार शुरू होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, छठ पूजा की शुरुआत षष्ठी तिथि से दो दिन पहले चतुर्थी से हो जाती है जो कि इस बार बुधवार यानी कि आज है। चतुर्थी को ही नहाय खाय का आयोजन करवाया जाता है जिसके बाद सभी छठ व्रतिया नहाय खाय के दिन घर की साफ सफाई और पवित्र करके पूरे दिन सात्विक आहार लेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुरेंद्र झा की। आज हम बात करेंगे सुरेंद्र झा उर्फ सुमन की। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे सुरेंद्र कुमार मुख्य रूप से एक मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक, संपादक और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य थे। उन्हें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकों का लेखन किया है और मैथिली, संस्कृत और हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकों के संपादक भी थे, जिसके लिए उन्हें कई सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। पटना एयरपोर्ट पर बदला फ्लाइट का शेड्यूल। कोरोना के कारण विमानों के पहिए पर ब्रेक लग गया था, हालांकि अब धीरे धीरे करके विमान सेवा को पहले की तरह ही शुरू करवाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना से 100 विमानों के परिचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद से बीते दिन से पटना एयरपोर्ट से 50 जोड़ी फ्लाइट ऑपरेट हो चुकी है, जिसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने सोमवार को ही नया शेड्यूल जारी कर दिया था, जिसके बाद यह 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। पहले पटना से कुल 88 फ्लाइट को ऑपरेट किया जा रहा था। नई विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से होगा शुरू। बिहार में शपथ लेने वाली सरकार ने 23 नवंबर से विधानसभा का पहला सत्र बुलवाया है। हालांकि इस फैसले पर कैबिनेट की औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन सरकार ने 23 नवंबर से सत्र बुलाने का फैसला लिया है। 23 नवंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र होगा। इतना ही नहीं, प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी का चयन कर लिया गया है, जो नए विधायकों को इस दिन शपथ दिलवाएंगे। दागी प्रतिनिधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा फैसला। दागी प्रतिनिधियों को लेकर साथ ही ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दागियों का चुनाव रद्द करने के लिए केंद्रों को कोई भी आदेश देने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है, ये विधायी मुद्दे हैं जो देश के संसद के विशेषाधिकार में आते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सरकार को कोई आदेश नहीं देगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दागी विधायकों और सांसदों के चुनाव को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के सभी कर्मचारी को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। बीते दिन नीतीश कुमार की पहली बैठक का समापन हो गया है। वहीं बैठक के बाद दोनों सदनों को चलाने की अनुमति मिल गई है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना जांच करवाया जाएगा, जिसके बाद ग्रुप वाइज तरीके से शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। हालांकि सदन शुरू होने से पहले ही कोरोना का जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। सीबीएसई परीक्षा में गूगल मैप की होगी अहम भूमिका। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने अब परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद अब सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों को गूगल मैप से जोड़ा जाएगा। छात्रों को उनके प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र के लोकेशन का पता चलेगा। ज्ञात हो इसके लिए बोर्ड ने केंद्रों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों से स्कूल के आने जाने के रास्ते भी स्कूल का सही पता उनके पिन कोड के साथ मांग लिया गया है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ कोरोना पर लगाम लगाने में नंबर वन रहा बिहार। कोरोना मामले पर नियंत्रण पाने में बिहार ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश के 15 राज्यों की सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर विराजमान था, मगर अब बिहार को पहला स्थान मिल गया है। वहीं बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड इस मामले में पांचवें स्थान पर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महागठबंधन ने सरकार पर कसा तंज। महागठबंधन ने वैशाली की युवती के साथ हुए वाकया का भी जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि किसकी गलती ज्यादा है, जिसने ये अमानवीय कार्य किया था या फिर जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया है ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। जिसके बाद उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा कि कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार कर जंगल राज खोजने वाले नेशन वांट्स टू नो जंगल राज का महाराज कौन है।
लालू यादव दूसरी जगह हो सकते हैं शिफ्ट। रांची में चारा घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राजद सुप्रीमो को रिम्स निदेशक के बंगले से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। रिम्स निदेशक के बंगले में लालू यादव लंबे समय से रह रहे। दरअसल रिम्स के नए निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को गेस्ट हाउस में रखा गया है, जबकि रिम्स निदेशक के बंगले में लालू यादव रह रहे। रिम्स के इतिहास में यह पहली बार है जब स्थायी निदेशक का पदभार लेने के बावजूद भी उन्हें डायरेक्टर के बंगले में रहने को नहीं मिल रहा है। तारिक अनवर ने ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने की कही बात। बिहार में बीते दिन मंत्रियों में विभाग का बंटवारा हो गया है, जिसके बाद बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। इसी बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार में एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक चल पाएगी। भाजपा हर समय नीतीश कुमार पर दबाव बनाते रहेगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जदयू के 43 विधायक और भाजपा के 74 विधायक है। बिना नीतीश को विश्वास में लिए भाजपा ने अहम मंत्रालयों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1901 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक वी शांताराम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था। 1984 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेत्री नयनतारा का जन्म हुआ था। 1984 में अभिनेत्री निशा रावल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 2013 में नासा ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल की जांच करने के लिए एक मिशन पर अंतरिक्ष जांच को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। राजा हिंदुस्तानी के 24 साल पूरे होने पर करिश्मा ने जाहिर की खुशी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपनी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के 24 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने एक खास वीडियो शेयर किया है। करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना आए हो मेरी जिंदगी में की छोटी सी क्लिप शेयर की है, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आ रही है। करिश्मा कपूर ने कैप्शन में लिखा है, राजा हिंदुस्तानी के 24 साल, जिसको लेकर फैंस भी बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में करिश्मा कपूर और आमिर खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। बीसीसीआई ने एमपीएल को बनाया टीम इंडिया का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। बीसीसीआई ने हाल ही में अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए ऑफिशियल किट स्पॉन्सर के नाम की घोषणा की है, जिसके तहत बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान देते हुए बताया कि भविष्य में अब एमपीएल स्पोर्ट्स भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी डिजाइन और तैयार करेगा। मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम समेत अंडर 19 टीम की जर्सी के लिए एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ 3 साल का करार कर लिया है। बोर्ड के शीर्ष परिषद ने 2 नवंबर को इस करार को मंजूरी दे दी थी। वहीं इससे पहले नाइकी का 5 साल का करार था, जिसके लिए 2020 तक के लिए 370 करोड़ रुपए दिए थे। इंस्टाग्राम पर आसानी से बना सकते हैं रील्स। अगर आप भी टिकटॉक को मिस कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए नया फीचर रील्स लेकर आया है, जहां आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। टिकटॉक को बैन किया जा चुका है और इसके रिप्लेसमेंट में इंस्टाग्राम ने अपने इंस्टाग्राम रील्स को पेश किया है। सबसे पहले इंस्टाग्राम खोले, टॉप लेफ्ट पर दिए गए कैमरा आइकॉन पर टैप करें। बॉटम पर आपको लाइव स्टोरी और रील्स जैसे विकल्प दिखाई देंगे, यहाँ रील्स पर टैप करें। अब आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी वीडियो क्लिप की लेंथ 15 सेकंड होनी चाहिए। हम आगे आने वाले स्टेप्स में कुछ और विकल्प बताने वाले हैं। इंस्टाग्राम रील्स रिकॉर्ड करने के लिए बड़े व्हाइट सर्कल आइकॉन पर टैप करें। इसी बटन से रिकॉर्डिंग को रोका जा सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,940 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,940 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,610 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। आज से बदल जाएगा राजधानी पटना का ट्रैफिक रूट। राजधानी पटना में आज से ट्रैफिक की व्यवस्था बदलने जा रही है। छठ पूजा तक यातायात व्यवस्था में यह बदलाव लगातार जारी है, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक व्यवस्था में जिला प्रशासन की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं। गंगा घाटों तक जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। अशोक राजपथ पर 18 नवंबर की दोपहर 2 बजे से 19 नवंबर की सुबह 9 बजे तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके अलावा दानापुर के आरा गोलंबर से दीदारगंज चेक पोस्ट तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बेरी रोड, पुरानी बाईपास, न्यू बाईपास, बारीपथ, सुदर्शन पत्र, शेरशाह रोड, नवाब बहादुर शाह रोड से होकर अशोक राजपथ पर आने वाले लिंक रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, ब्रजेश तिवारी, सैयद हुसैन, मोहम्मद सरफराज, उदय कुमार, प्रवेश प्रियदर्शी, दिनेश कुमार, रणधीर कुशवाहा, राकेश वर्मा, पिंटू कुमार शर्मा, रोहित प्रसाद, सुधांशु राज, कृष्णा कुमार पारित, देविका राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब
अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।